क्या शादी के बाद हुआ अपराध अपराध नहीं माना जाएगा? क्या शादी के बाद महिला की मर्जी कोई मायने नहीं रखती? क्या शादी के बाद महिला के साथ रेप भी हो तो उसे रेप नहीं कहना चाहिए? 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 साल बाद मैरिटल रेप को अपराध मानने से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया और फैसले में कहा क्या कि दोनों जज इस पर सहमति नहीं बना सके कि अगर महिला का रेप उसका पति करे तो वो रेप होगा या रेप रेप है, डजंट मैटर मैरिटल नॉन मैरिटल, रेप इज रेप। विदाउट हर कंसेंट सेक्स इज नॉट गुड और इट शुड बी पनिशेबल। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बॉडी इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बॉडी व्हेदर यू मैरिड टू समवन और नॉट। शादी का मतलब ये थोड़ी ना कि आप जबरदस्ती कर रहे हो, यू हैव बॉट दी women for your needs. If she is not okay with it, then there is no point to pursue. किसी वजह से मना कर रही है तो वो आदमी को भी सोचना चाहिए, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। न्यूज़ क्लिक के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार क्या है, उससे जुड़ा कानून क्यों जरूरी है और भारत की अदालतें सरकारें आजादी के 75 साल बाद भी इस पर कानून क्यों नहीं बना पा रही है। आईपीसी के सेक्शन 375 में बलात्कार को अपराध माना गया है, मगर इसका दूसरा हिस्सा भी है जिसे एक्सेप्शन यानी अपवाद दो कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर एक पति अपनी 15 साल की उम्र से बड़ी पत्नी के साथ जबरदस्ती सेक्स करे या उसका यौन शोषण करे तो उसे रेप नहीं कहा जाएगा। ये कानून आईपीसी में 1860 में शामिल किया गया था। 1839 में लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि इस कानून से एक पति के वैवाहिक अधिकार सुरक्षित होंगे। अब पत्नी के वैवाहिक अधिकार की बात करते हैं। भारत उन 150 देशों में से एक है जहां मैरिटल रेप को अपराध मानने वाला कानून नहीं है, जबकि भारत में 3 में 1 महिला पर उनके पतियों ने किसी न किसी तरह की हिंसा की है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार करीब 80% महिलाओं के मौजूदा पति यौन अपराधी हैं। 9% महिलाओं के पिछले पति यौन अपराधी रहे थे। 1600s के मैथ्यू हेल ने ये तक कह दिया था कि शादी के बाद एक पत्नी अपना सब कुछ अपने पति को सरेंडर कर देती है, सेक्स करने की अपनी मर्जी को भी। आप 1600s के मैथ्यू हेल को देखिए, 1860 के लॉर्ड मैकॉले को देखिए और 160 साल से जारी इस कानून को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इस कानून को मर्दों के लिए बनाया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस देश ने भारत में इस कानून को लागू किया था, उस यूनाइटेड किंगडम का कानून 1991 से ही मैरिटल रेप को अपराध मानता है। 11 मई को सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव शक्तर ने कहा कि वह इस सेक्शन 375 के एक्सेप्शन 2 को हटाने के पक्ष में है, क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का हनन करता है। आर्टिकल 14 जो बराबरी की बात करता है, आर्टिकल 21 जो जीने के अधिकार की बात करता है। वहीं जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि वह एक्सेप्शन 2 को हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि इससे महिला का किसी भी अधिकार का हनन होता है। हमने इस मामले में पेटिशनर्स में से एक मरियम धावले से बात की। सो द ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन हैज बीन अ पेटिशनर इन द केस दैट वाज गोइंग ऑन इन द दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ मैरिटल रेप एज अ क्राइम। It is very unfortunate that for 7 years this case has been going on and there has been a split verdict. It is very, very disappointing. Even now in our country, we have this perception that marital rape should not be considered as a crime. After 75 years of independence, we are still an extremely retrograde patriarchal society where a woman is subjected to torture within marriage is not recognized. The understanding that a wife cannot refuse the husband and the husband has the right over the autonomy, over the body of his wife is extremely disturbing. The government and the entire judicial system should come forward to help women who have been victims of violence within marriage to rehabilitate them and make them build their own lives. But that is not happening. And because that is not happening, no woman who is subjected to rape within the marriage has any scope for rehabilitation or any kind of scheme. And that is why this exception to marital rape must go. We shall appeal in the Supreme Court and go on fighting and raising our voices till it is recognized as a crime. एक शब्द है consent, यानी सहमति, मर्जी, और एक शब्द है non-consent, यानी इनकार, मनाही।
375 के एक्सेप्शन 2 की बात करें तो ये पत्नी के नॉन कंसेंट को, उनके इनकार को नहीं समझता है। सन 2000 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहकर एक्सेप्शन 2 को हटाने से इनकार कर दिया था कि शादी में दखलअंदाजी बढ़ जाएगी। 2013 में निर्भया रेप केस के बाद भारत में रेप लॉज में संशोधन हो रहे थे। जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने कहा भी कि एक्सेप्शन 2 को हटा दिया जाए, मगर पार्लियामेंट्री पैनल ने इसे नहीं हटाया। 2015 में मोदी सरकार से संसद में इस पर सवाल किए गए थे। गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने कहा कि भारत में मैरिटल रेप नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो शादियां पवित्र बंधन होती हैं। मोदी सरकार ने हमेशा से एक्सेप्शन 2 को हटाने की मुखालफत की है। कभी कहा गया कि शादी पवित्र बंधन है, कभी कहा गया कि इससे फैमिली सिस्टम खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल, हमारे भी जैसे कि घर में वो काफी लोग हैं, बोल देते हैं हाँ शादी हो गया, शादी का मतलब है कि आपको हस्बैंड जो कहते हैं पति देवता होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस पति के मतलब ये नहीं कि पति जो कहेगा हम वही करेंगे, हमारा भी कुछ एक इमेज है, अपने अकॉर्डिंग हमें भी जीना चाहिए, हमें भी हंसना है, जॉब करना है। समथिंग एज सीक्रेट एज एन इंडियन मैरिज, मैरिज इन इंडिया, उसमें आप रेप को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हो? रेप इज़ नॉट सीक्रेट, आई मीन रेप इज जस्ट एक्सप्लॉयटिंग समबडीज बॉडी, वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन और अ किड और एन ओल्ड पर्सन, that there's nothing secret about it. Rape will always be rape. शादी मर्जी से भले ही किए होंगे, लेकिन sexual relation रखना या ना रखना जैसा लड़का लड़के की मर्जी है, वैसे लड़की की भी मर्जी है कि लड़की अगर mentally prepared नहीं है उस चीज़ के लिए तो नहीं करनी चाहिए। 11 मई के हाई कोर्ट के बटे हुए फैसले के बाद पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अब उनसे पूछ सकते हैं कि शादी के बाद रेप हुआ तो उसे रेप कहा जाएगा या नहीं। एक सवाल खुद से भी पूछिए, जवाब आसान ही होगा। अपनी मर्जी के बगैर एक इंसान खाना भी क्यों खाए, पानी भी क्यों पिए और एक महिला सेक्स क्यों करे?